नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रुचि सोया के बारे में। दोस्तों, ये शेयर ऐसा है जिसके बारे में हर कोई कहता है कि ये इन्वेस्टर को एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो कैसा मल्टी बैगर रिटर्न दिया है ये आपके मनी को, अगर आप 500 पर इसका सर्किट ओपन हुआ था वहाँ पर इन्वेस्ट करते तो आपको 3 times ये मल्टीप्लाई कर देता आपके रुपया को, मतलब 3 times मल्टी बैगर। लेकिन कोई कहे कि ये जो है 1000% का रिटर्न दिया है, तो ये सच्चाई है या नहीं है तो वीडियो को आगे हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में रुचि सोया के रिजल्ट के बारे में आपको बताएंगे, साथ साथ इसके प्राइस चार्ट पर हम बात करेंगे ये इन्वेस्टर को कैसा रिटर्न दिया है। ये देखते हैं, ये रुचि सोया इंडस्ट्री का PDF है रिजल्ट का, जो कि हमने BSE इंडिया के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। यहाँ पर देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,19,000 है, और जो हमारा मार्च क्वार्टर था 19 का उसमें था 3,14,000, तो ये लगभग फ्लैट ही रहा है। अदर इनकम 1800 करोड़, और ये था 3,000 करोड़ मार्च 19 में, तो ये थोड़ा सा कम हुआ है, और जो उतना ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अधिक भी था। उसके बाद टोटल इनकम यहाँ से कंपेयर कर लीजिए 3,20,000 इस मार्च क्वार्टर का और 3,17,000 पिछले साल के मार्च क्वार्टर का। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब एक्सपेंस भी देख लेते हैं, टोटल एक्सपेंस 3,24,000, और जो हमारा 3,14,000 था मार्च क्वार्टर 19 में। और प्रॉफिट जो हमारा है टोटल देख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर देखिएगा तो लॉस दिखा रहा है कंपनी 4,124 करोड़ का। वही जो हमारा है मार्च क्वार्टर 19 में, ये था प्रॉफिट 3,210 करोड़। तो इससे काफ़ी, मतलब बात करें तो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। तो इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स एक्सपेंस, तो यहीं पर निगेटिव है। क्यों निगेटिव है तो ये आप देख लेते हैं कि निगेटिव जो उसका कारण क्या है। यहाँ पर देखते हैं एक्सपेंस जो एक्सेप्शनल आइटम है उसमें जो है इसको रख दिया गया है, जो हमारा देखते हैं प्रॉफिट बिफोर जो एक्सेप्शनल आइटम्स है और टैक्स एक्सपेंस है, तो जो एक्सेप्शनल आइटम्स है वो उसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो जिसके कारण आपको यहाँ पर जो है लॉस देखने मिल रहा है जो एक्सेप्शनल आइटम्स है उसके इंक्रीज होने के कारण। लेकिन पिछले बार जो हमारा एक्सेप्शनल आइटम में यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव दिखाया गया था, जिसके कारण रिजल्ट में काफ़ी इंक्रीज हुआ था। तो इस बार जो है एक्सेप्शनल आइटम्स में निगेटिव दिखाया गया, उस बार पॉजिटिव पिछला क्वार्टर जो दिसंबर क्वार्टर है, उसी कारण जो दिसंबर क्वार्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं 4,000 का अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर अर्निंग जो है 4,000 का दिखाया गया। तो समझ सकते हैं इस तरह से रुचि सोया का एक स्टॉक जो है वो 10,000 रुपये का, मतलब कहीं लाखों रुपये का होना चाहिए। लेकिन अब देखिए अर्निंग पर शेयर जो है हमारा लॉस रिपोर्ट करने के बाद हो चुका है निगेटिव में 4.68, और उससे पहले मार्च 19 में कितना था, 19 रुपीज़ था अर्निंग पर शेयर। तो इस तरह से एक शेयर का अगर प्राइस कहें तो 10,000 रुपया होना चाहिए, 96 रुपीज़ अगर अर्निंग पर शेयर दिखाता है, तो 4,000 रुपया पर शेयर तो लाखों रुपया होना चाहिए एक स्टॉक का प्राइस। तो ये सारा है, मतलब ये सारे उतार चढ़ाव इस शेयर में देखने मिल रहे हैं, और एक दो क्वार्टर का रिजल्ट आता है तब कन्फर्म हो पाएगा कि रुचि सोया में क्या चल रहा है। लेकिन अगर ये लॉस देख करके आप शेयर को बेच देते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब जो रुचि सोया है वो पहले के रुचि सोया से डिफरेंट है, क्योंकि इसे पतंजलि के रामदेव बाबा ने एक्वायर कर लिया है। तो ये एक्वायर करने के बाद रुचि सोया जो काफ़ी डिफरेंट कंपनी बन चुका है। पहले ये कंपनी जो है कर्ज से पूरी तरह से दबी हुई थी, जिसे रामदेव बाबा ने एक्वायर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, उसके बाद आपको जो है अपना शेयर अगर इन्वेस्टेड है तो बेचनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं नया इन्वेस्टमेंट करना तो फिर आपको एक दो क्वार्टर रिजल्ट का वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि रिजल्ट कैसा आता है। चलिए हम जीरोधा काइट के ऐप पर हम आपको इसको दिखाते हैं कि किस तरह का इसका चार्ट बिल्डअप हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जीरोधा काइट पर हम जो रुचि सोया का चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार अपर सर्किट, यहाँ पर जाकर के सर्किट ओपन हुआ, मतलब 800 के आसपास, जब 800 पर सर्किट लगता अगले दिन तो वहाँ से ओपन हो गया और लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया, फिर 540 के आसपास फिर से यहाँ पर अपर सर्किट स्टार्ट हो गया। तो समझ सकते हैं किस तरह का गेम इसमें
चल रहा है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए इसमें। दूसरा, इसमें जो आप जान रहे हैं कि ये मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, यहाँ से ये चला है मतलब 10 रुपये से 20 रुपये से, और ये जो है रिटर्न जो दिया है वो इन्वेस्टर को 1000% पे रिटर्न दिया है, तो सच्चाई ये नहीं है। जिनके पास भी ये शेयर था वो 100 शेयर के बदले 1 शेयर हो गया, जैसे मेरे पास भी ये शेयर था तो 100 शेयर के बदले 1 शेयर हो गया, और हमने यहाँ पर जो सर्किट ओपन हुआ तो हमने सेल करके इसे निकल गया, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में नहीं रहना चाहिए। तो हमें जो यहाँ पर प्रॉफिट तो नहीं हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ, तो हमने यहाँ पर शेयर को बेच करके निकल गया, क्योंकि इस सारे स्टॉक्स में कभी कोई ठिकाना नहीं है, देखते कभी लोअर सर्किट कभी अपर सर्किट। तो ये हमने मतलब बाबा रामदेव के खरीदने से पहले ही इसमें इन्वेस्ट किया था, जैसे न्यूज आया था उस समय हम मार्केट में बिल्कुल नए थे, 2018 के शुरुआत में हम खरीदे थे ये शेयर। तो समझ सकते हैं कि इतनी पुरानी, बहुत दिनों तक इसमें बोली लगता गया, सालों के बाद इसमें बाबा रामदेव ने इसको एक्वायर किया, और उसके बाद हमारा शेयर जो है 100 के बदले 1 हो गया। तो यहाँ पर जिसने बाय किया उसे यहाँ पर ये लोअर पर, तो उन्हें अभी थ्री टाइम्स का एक मल्टीबैगर रिटर्न मिल रहा है, 3 टाइम्स का मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पर जो इन्वेस्ट किए। तो ये था इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम इसके चार्ट की बात जो है करने वाले नहीं है, ये चार्ट तो आपने देख लिया, इसका चार्ट में अभी कुछ बना ही नहीं क्योंकि ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब तक कंपनी में ट्रेडिंग नहीं होता है तब तक जो चार्ट है वो बिल्डअप अच्छे से नहीं हो पाता है, तो चार्ट तभी अच्छे से बिल्डअप होगा जब कंपनी में ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा कि रुचि सोया में आपको क्या करना चाहिए। तो इसके 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट को आपको वेट करना चाहिए अगर आप इसमें एक मल्टीबैगर रिटर्न मतलब एक समझते हैं कि ये कंपनी बहुत ही बड़ा बनेगी आगे चल करके, तो 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट आप वेट कर सकते हैं, या आपका इच्छा है कि नहीं हम ऐसे में बाबा रामदेव की कंपनी है तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका रुपया है, आप फाइनल डिसीजन आपका है, तो आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। तो पहले जब तक इसमें सर्किट लगता रहेगा तब तक आपको ये शेयर मिलेगा ही नहीं। ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सर्किट खुला, यहाँ पर खुला, जहाँ पे ये चार्ट बन रहा है यहाँ पर थोड़ा सा सर्किट खुला, यहाँ पर सर्किट थोड़ा सा खुला, यहाँ से पहले देख सकते कभी सर्किट खुला ही नहीं, तो किसी ने शेयर यहाँ पर नीचे के प्राइस पर बाय नहीं किया, किसी ने नीचे के प्राइस पर शेयर बाय ही नहीं किया, तो किसी को मल्टीबैगर रिटर्न मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो यह था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रुचि सोया के बारे में। यहाँ चार्ट पे आप देख सकते हैं कहीं सर्किट ओपन ही नहीं हुआ, तो किसी को भी मल्टीबैगर रिटर्न प्राप्त होने की बात ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा लगता है सर्किट थोड़ा सा, तो अगर यहाँ थोड़ा सा ओपन हुआ होगा तो जो 1-2 लोग बाय किए होंगे तो उन्हें मल्टीबैगर रिटर्न मिल चुका होगा, नहीं तो यहाँ पर जाके सर्किट 800 पर शुरू हुआ तो यहाँ से 2 टाइम्स, और यहाँ पर जो लोअर पर खरीदे तो उनको 3 टाइम्स। यही मल्टीबैगर रिटर्न है रुचि सोया का, यहाँ चार्ट पे आप स्पष्ट देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझने में सहायता क्या होगा कि रुचि सोया कोई मल्टीबैगर रिटर्न नहीं दिया है, अगर मल्टीबैगर रिटर्न दिया है तो 3 टाइम्स का, और आगे स्टॉक्स मल्टीबैगर रिटर्न देता है तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर सर्किट ओपन होता है। कभी कभी थोड़ा सा ये देख सकते हैं सर्किट बीच में ओपन होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि रुचि सोया कोई मल्टीबैगर रिटर्न नहीं दिया है, यहाँ चार्ट पे आप स्पष्ट देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।